एयर एशिया की फ्लाइट से टकराया पक्षी, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। आखिर विमान से क्यों टकराते हैं पक्षी? एयर एशिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराने का मामला सामने आया है। लखनऊ से कोलकाता जा रही एयर एशिया की फ्लाइट से पक्षी टकरा गया, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक हादसा फ्लाइट के टेक ऑफ करते समय हुआ। पक्षी के टकराने के कारण बड़ा हादसा हो सकता था जो टल गया। हादसे के बाद यात्रियों को दूसरी फ्लाइट में भेजा गया। फ्लाइट की इस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग करवाने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसी ही एक घटना 15 अक्टूबर 2022 को हुई थी, जब मुंबई से बेंगलुरु जा रही अकासा एयरलाइंस की एक फ्लाइट को उड़ान भरने के बाद वापस मुंबई एयरपोर्ट लौटना पड़ा। इस दौरान भी फ्लाइट से पक्षी टकरा गया था। पक्षी टकराने के बाद कैबिन में कुछ जलने की गंध आने के बाद फ्लाइट की तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। अकासा एयरलाइंस के बोइंग VTYAE विमान ने जब उड़ान भरी तो उसका इंजन सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन अचानक कैबिन से कुछ जलने की गंध आने लगी। ज्वलने की गंध आने पर फ्लाइट को वापस मुंबई की ओर मोड़ दिया गया था। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद जांच की गई थी। जांच के दौरान पता चला था कि फ्लाइट से कोई पक्षी टकरा गया था। इंजन में पक्षी के अवशेष पाए गए थे। इससे पहले बीते 6 अक्टूबर को तुर्की के एक विमान की कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। इसके अलावा एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग यात्री की तबीयत खराब होने के कारण करवानी पड़ी। विमान ने इस्तांबुल से सिंगापुर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान के बीच में ही एक यात्री की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद फ्लाइट की कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। science abc.com के मुताबिक दुनिया में पहली बार विमान से पक्षी टकराने की घटना 1905 में सामने आई थी। तब ओरविल राइट एक खेत में विमान उड़ा रहे थे। वो पक्षियों के झुंड का पीछा कर रहे थे, तभी एक पक्षी टकरा गया और मर गया। वो पक्षी विमान के पंखे पर तब तक पड़ा रहा जब तक विमान को तेजी से टर्न नहीं कराया गया। ओरविल राइट उन्हीं राइट ब्रदर में से एक है जिन्होंने पहली बार विमान बनाया था। पक्षी टकराने की घटनाएं आमतौर पर तब सामने आती है जब विमान कम ऊंचाई पर उड़ता है। लैंडिंग और टेक ऑफ के समय ये घटनाएं ज्यादा सामने आती हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के सर्वे के मुताबिक हर दिन विमान से पक्षियों के टकराने की औसतन 34 घटनाएं सामने आती हैं। वहीं बात अगर इससे होने वाले नुकसान की करें तो इससे सालाना $1 अरब यानी करीब 7800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। वहीं 92% घटनाएं ऐसी होती है जिसमें कोई नुकसान नहीं होता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।